कोरोना का प्रकोप बरकरार। कर्नाटक में कोरोना वायरस के 38 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 353 हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पहले कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य की टीम ने कोरोना संक्रमित मरीज को CHC में भर्ती किया है। साथ ही संबंधित गांव में स्वास्थ्य टीम पहुंचकर जांच कर रही है और मरीज के संपर्क में आए लोगों के बारे में पता लगा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में COVID-19 से संक्रमितों की संख्या 842 तक जा पहुंची है, जबकि यहां वायरस से मरने वालों की संख्या 47 तक दर्ज की जा चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 842 संक्रमितों में से 584 की हालत स्थिर है, जबकि 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चीन ने अपनी मृतक संख्या में शुक्रवार को अचानक संशोधन किया और वुहान में मृतक संख्या में 50% की बढ़ोतरी करते हुए इस वायरस से यहां मरने वालों की कुल संख्या 3869 बताई। चीन ने स्वीकार किया कि कई मामलों में मौत का कारण जानने में गलती हुई या कई मामलों का पता ही नहीं चल पाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में 13,387 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और मृतकों की संख्या 437 तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय कोरोना वायरस के मामले देश में 11,201 हैं और 1,748 व्यक्ति से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। पिछले दिनों व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली कुछ तस्वीरों के सामने आने के बाद अब प्रशासन ने ओला कैब को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए ओला ने प्रशासन को 50 कैब उपलब्ध करवाई है। ओला कैब को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने की योजना पर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नंबर 2363009 है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी अपर कलेक्टर चंद्रमोली शुक्ला को सौंपी गई है। इस अवसर पर कैब के ड्राइवर को प्रशिक्षण भी दिया है कि उन्हें आपदा की इस घड़ी में किस तरह से काम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की नई चरणबद्ध योजना पेश की। उन्होंने गवर्नरों को अपने अपने राज्यों में पाबंदियों को हटाने पर फैसला लेने की अनुमति दी। 6,40,000 से अधिक अमेरिकी कोरोना वायरस की चपेट में आए और 32,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग NFL के प्रमुख खिलाड़ी वॉन मिलर COVID-19 से संक्रमित पाए गए। वह नेशनल फुटबॉल लीग में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। मिलर डेनवर ब्रोंकोस टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच नवी मुंबई में पुलिस ऐसे 1600 बुजुर्गों की सहायता कर रही है जो अकेले रहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मीरा बंसोड़े ने बताया कि पुलिस ने एक सहायता डेस्क बनाई है जहां नियमित तौर पर कम से कम 24 बुजुर्गों की जांच होती है। बंद के दौरान उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराई जाती है।